सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है निर्मल और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे, इंटर निर्मल में। गाइस, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। गाइस, मेरा जो वीडियो है आज का, ये आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गएंगे, क्योंकि आज का वीडियो है थोड़ा सा मस्ती करेंगे इस वीडियो में और कुछ सीखेंगे भी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाता हूँ, क्योंकि रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई साहब, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है क्या आजू बाजू में? तो भाई देखो, खुद से देखो, मैं क्या बताऊँ, ठीक है ना? तो चलिए मैं दिखाता हूँ, मैं जिस जगह पे काम करता हूँ उसको, पूरा रूम को। सो गाइस, अब देख लो, इस तरह से मेरा सामान बिखरा हुआ है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, और इधर भी सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ थर्माकोल है, कपड़ा है जो ब्रश साफ़ करते हैं, ठीक है ना? नीचे देखो, मैं 2 दिन से झाड़ू नहीं लगाया हूँ। और यहाँ देखो, ये भी बिखरा पड़ा हुआ है, उस पर सामान उस तरह से है। और गैज, आज जो हम लोग सीखेंगे वो ये है कि इसका जो डिज़ाइन करते हैं हम लोग, ठीक ना, वो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे, और पूरा फुल डिटेल में सीखेंगे आपको किस तरह से करना है। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग इसको गोल कर लेंगे, ठीक है? जैसे कि ये शीशा है, ठीक है, ये तो मेरा स्टिकर है, लेकिन आपको शीशा लगाना है इसके जगह पर। और शीशा नहीं मिलता है तो इसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, इसको कैसे कटिंग करते हैं और ये कहाँ मिलेगा। सो इस तरह का गोल कर लेंगे पूरा में, जहाँ जब भी आप इसको डालेंगे वहाँ गोल कर लेना है। उसके बाद, ठीक ना, जैसे इसका इसका जो दूरी है, ठीक है, उसको आधा कर लेंगे, और आधा के हाफ इंच, मतलब जो जैसे आधा यहाँ आ रहा है, ठीक है, उसके बाद उसमें हाफ इंच का हम गैप दे देंगे। गैप देने के बाद ब्रश को ही करेंगे, और जितना पतला हो सके, ठीक ना, इसका नोक बना लेंगे। उसके बाद एक इस तरह का लाइनिंग खींचेंगे, ठीक है? लाइनिंग खींचने के बाद जब भी हम, देखो, यहाँ चलेंगे और कोशिश करेंगे इससे हल्का आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, इस तरह से। और हमको ध्यान भी रखना है कि यहाँ पर भी गोल बनाना है इस तरह से, और इससे आगे भी बढ़ना है। जैसे देखो, मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ और गोल भी कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है? सेम प्रोसेस नीचे का भी करना है, लेकिन नीचे से इस तरह से आना है। ठीक है, समझ में आया? चलो दूसरा। और जब भी करें एक साइड से ही करते जाए, ऐसा नहीं कि अब हम इसको लगा लिए तो पहले हम इसको फाइनल कर लेंगे। यहाँ पर हम फाइनल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। हम लोग इस तरह से कर लेंगे। अब इसका इसके बीच में देख लेंगे, यहाँ आ रहा है, एक साइड से पहले डिजाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद दूसरा साइड से करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा इस तरह से कर लेंगे, खींच लेंगे बीचों बीच में, और उसको हल्का आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें एक चीज़ आपको नॉर्मल लगता होगा कि लाइन जो है सब एक साइज का ही जा रहा है, बस जितना हम वहाँ से उठा रहे हैं उतना ही आगे इसको घसका भी रहे हैं। जैसे देखो, इस ये जो लंबाई है उतना ही सेम लंबाई इसका भी है, जितना हम इधर घटाए हैं उतना इधर हम बढ़ा देंगे, जितना घटाएंगे यहाँ उतना इधर बढ़ा देंगे। फिर से कर लेंगे, आधा देख लेंगे कहाँ आ रहा है, जितना घटाए हैं उतना इधर बढ़ा देंगे। वीडियो का बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे या फास्ट नहीं करेंगे, जो भी रियल टाइम है।
जहाँ आपको समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो समस्या है कोशिश करूँगा कि उसका समाधान कर दें। एक और डिज़ाइनिंग है सेम इसी तरह का है, वो इससे थोड़ा सा और आसान है, उसको भी मैं बताऊंगा। देखो अब मेरा एक साइड से जो है ना वो काम हो चुका है, ठीक है। ये देखो दूसरा साइड भी हम इसी तरह कर लेंगे। ठीक है ना, देखो इस तरह से कर लेंगे दोनों साइड में। थोड़ा बहुत आप बाद में भी मैनेज कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं आपको दूसरा डिजाइन दिखाता हूँ गाइस। दूसरा डिजाइन जो है इस तरह से गोल कर लेंगे पहले इसको, ठीक है। और दूसरा डिज़ाइन में एक सेम उसी तरह से सीधा खींचेंगे। और तबर हम लोग क्या करते थे कि इस तरह से जा रहे थे, ठीक है, ऊपर। लेकिन अब ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग ये करेंगे। इसको हम लोग जितना गाढ़ा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है, अच्छा दिखेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कब कौन सा डिज़ाइनिंग जो है अच्छा लगा। हमको तो दोनों ही डिज़ाइन अच्छा लगता है, ठीक है। एक इस तरह का डिज़ाइनिंग हो गया और एक जो है सो तो आपको कौन सा डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छा लगा बताइएगा कमेंट में ज़रूर करके, ठीक है। मिलते हैं गाइस दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।